विशी ब्लॉग और आज का जो होने वाला है मेकअप लुक वो होने वाला है राखी के लिए। जैसा कि आपको पता ही है अभी फेस्टिवल सीजन है, मेकअप लुक रक्षाबंधन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, साथ में अपने ओपन पोर्स होंगे वो उनको मिनिमाइज करेगा और अच्छे से अपने फेस पे इसको ब्लेंड करना है अपने हैंड की हेल्प से। अब यूज़ करेंगे हम फाउंडेशन। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, जो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम पूरे फेस पे डॉट डॉट करके फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे और इसके बाद वैक्स स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और अब यूज़ करेंगे हम कंसीलर अपनी आईज के अंडर एरिया पे और हाईलाइट एरिया पे, ताकि वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखे और कोई भी इस पे अच्छे से इसको स्पंज की हेल्प से स्प्रेड करेंगे, कोई भी क्रीज लाइन इसमें ना आए। और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं फेसेस कनाडा का लूज पाउडर। लूज पाउडर का यूज़ मेकअप को सेट करने के लिए किया जाता है और साथ में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जिसके हेल्प से मैंने अपनी आईब्रो को शेप दे दी है। और साथ में अब मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का ये लिप बाम, जो काफ़ी अच्छे लिप्स मॉइस्चराइज करता है। मैं रिकमेंड करूँगी आप ये लिप बाम यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं आई मेकअप के लिए हेटेड विद लव का आई शेडो पैलेट, जिसमें मैंने अपने ब्लाउज से मैच करता हुआ कलर आउटर कॉर्नर्स को डार्क करते हुए क्रीज एरिया की तरफ अच्छे से ब्लेंड किया। और आई शेडो को अच्छे से ही ब्लेंड करना चाहिए, अच्छा खासा टाइम लेना चाहिए उसे ब्लेंड करने के लिए। और अब मैंने पिक किया अपनी साड़ी से मैच करता हुआ ये कलर, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हुए उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैंने यूज़ किया ये कलर। और इसके बाद सेम कलर से लोअर लैशेज लाइन को हाईलाइट करेंगे, उससे हमारी आईज़ काफ़ी बड़ी दिखती है। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं ये ग्लिटर, जो कि मैंने फिंगर की हेल्प से यूज़ किया है। अब यूज़ करेंगे आईलाइनर और मस्कारा, जो हमारी आईज़ को काफ़ी आईलैसेस को काफ़ी अच्छा दिखाता है, डार्क दिखती है और साइज़ में बड़ी दिखती है। मैंने यहाँ पे फेक आईलैसेस यूज़ नहीं की। और यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ एक फेक स्माइल करते हुए। और लास्ट में यूज़ करेंगे अब हाइलाइटर, जो कि स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है, जिसकी क्वान्टिटी बहुत कम यूज़ होती है। हाइलाइटर को कभी भी मेकअप में स्किप नहीं मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ग्लोइंग दिखाता है हमारे फेस को काफ़ी अच्छा। ये एक लास्ट स्टेप होता है हमारे मेकअप का, जिसमें हमारा फेस ग्लोइंग दिखता है। और अब यूज़ कर रही हूँ मैं लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक, जो पिंक शेड साड़ी से मैच करती हुई है। मेकअप कंप्लीट हो गया, लेकिन अब टाइम है हेयर स्टाइल का। तो 2 पार्ट में हेयर को डिवाइड करके मैंने अंदर की तरफ बालों को ट्विस्ट करते हुए पिनअप कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो दोनों तरफ मैंने ऐसे ही कर लिया और ओपन हेयर रखे हैं। और इस मेकअप लुक के लिए साथ में मैंने पहनी है ये वाली ऑरेंजर की साड़ी, और इसके साथ मैंने वियर किया है ये वाली बैंगल्स, जो इससे सेम मैच है। ज़्यादा हैवी हैवी सा लुक हो जाएगा, और रक्षाबंधन दिन का फेस्टिवल होता है, सो इसलिए इसके लिए ज़्यादा मेकअप दाम जाम अच्छा नहीं लगता। इसकी रिंग पहनी है साथ में मैंने, और ये ले रही। और नेकलेस को मैंने किया है अवॉइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है लुक। सो इसलिए आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।